लॉकडाउन ने हर किसी की कमर तोड़ दी है, खासकर किसान इसमें ज़्यादा ही पिसा हुआ नज़र आया है, क्योंकि किसानों की फसलें पक कर पूरी तरह तैयार होने के बाद भी लॉकडाउन की वजह से खरीदार नहीं मिले, जिस कारण किसानों को खेत की पकी फसल उखाड़ कर फेंकना पड़ी है। ऐसा ही एक मामला आया है ग्राम छोटी कसरावत का, जहां किसान कैलाश यादव ने 11 एकड़ में कद्दू लगाया है जो पक कर तैयार है। कैलाश इस कद्दू को 1 रुपये किलो में बेचने को तैयार है, लेकिन उन्हें कोई 1 रुपये किलो में भी खरीदार नहीं मिल रहा है, जिसमें हार कर आखिर में कैलाश ने खेत से कद्दू निकाल कर फेंकना शुरू कर दिया है। कैलाश कहते हैं कि सरकार के सारे काम चल रहे हैं, लेकिन किसान की फसल के लिए लॉकडाउन है, और विडंबना यह है कि न सरकार ध्यान दे रही है न विपक्ष किसान के लिए कुछ बोल रहा है। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। मेरा नाम कैलाश यादव है, मैं छोटी कसरावत रहता हूँ। मेरे 11 एकड़ में कद्दू था, कद्दू 1 रुपये किलो देवाल में हूँ। लॉकडाउन के चक्कर में आज तक कद्दू नहीं बिक रहे हैं। अभी 5 ट्राली 60 ट्राली कद्दू मैंने खराब हो गए, इकट्ठे करवा के रखे थे, वो खराब हो गए, अभी फिकवा रहे उनको। और ये खेत में अभी 4 एकड़ खेत में तैयार है, इसको भी कोई लेने वाले व्यापारी नहीं आ रहे। जो इसको भी बोलते हैं वो कहते हैं कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। शासन के सभी काम चल रहे, मजदूर और किसान बुरी तरह से पिसा रहा है। न तो विपक्ष बोल रहा है, न पक्ष बोल रहा है। तो आखिर किसानों ने क्या करा है? भारत का अन्नदाता किसान ही है, पर किसान पे कोई भी सरकार का ध्यान नहीं है। उसी तरह से तरबूज खरबूजे और गिलकी टिंसी टिंसी भी मैंने 2 एकड़ की टिंसी कम से कम 5 लाख की टिंसी फेंकी है, 1 रुपया का टिंसी नहीं फेंकी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।